वेलकम टू द सपोज ऑक्सफोर्ड। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 5 पार्ट्स को कंप्लीट किया था। इस पार्ट में हम 6 से लेके 10 तक करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास मैट्रिक। चलिए देख लेते हैं आगे आगे क्या है हमारे पास। अब ये छठे क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ से हमें करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 195 इज इक्वल टू 0 है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल है के मुताबिक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, आप कांस्टेंट को इस तरफ ले जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x दैट इज 195। आपके पास यहाँ से हमने आपको बताया हुआ है कि अगर ये यहाँ तक आप पहुँच जाएँ तो आपने x का कोएफिशिएंट दैट इज़ -2 डिवाइड 2 करें और उसका स्क्वायर रूट मालूम करें तो ये हो जाएगा आपके पास 1। अब 1 जो रिजल्ट आए तो इक्वेशन 1 में ऐड ऑन बोथ साइड कर देना। ठीक है, तो हम कहेंगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड। किसकी? इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 की 1 को ऐड करो। सो एक्स स्क्वायर माइनस को 2x प्लस के 1 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 195 ये एंड प्लस के 1। सो इसे अगर आप बाय देखेंगे तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर की फॉर्मेट है, आपको पहले भी हमने समझाया हुआ है। तो ये हो जाएगी 196। अब देखें, अब ये है कि 196 हो गया। अब देखें, हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो ये क्या हुआ, एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर रूट और फिर प्लस माइनस रूट 196। अब आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो ये हो जाएंगे प्लस माइनस के 14। तो इसके दो रिजल्ट आए, एक्स माइनस 1, वन इज अ पॉजिटिव 14, एक्स माइनस 1, वन इज अ नेगेटिव 14। तो 1 को आप उस तरफ ले जाएं तो 14 प्लस 1 वुड बी 15, एक्स का वैल्यू 15। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के 14 प्लस का 1, सो एक्स का दूसरा वैल्यू माइनस के 13। तो दो आंसर आए। सॉल्यूशन सेट, 1 इज 15, अनदर इज माइनस के 13। दैट इज द रिजल्ट ऑफ पार्ट ऑफ 6। पार्ट 7 को देख लें। 7 को जैसे ही हम, सॉरी ये चला गया थोड़ा सा, लेट मी टू लॉक द क्वेश्चंस। ओके जी, लॉक हो गया, अब नहीं जाएगा, नहीं गया ना, देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स सी राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 7 और सिंप्लीफाई करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है जी, देख लें। इस क्वेश्चन में 7 में बड़ी आसान चीज़ें दी गई हैं। अब देखें, इसको मैं इक्वल की इस तरफ लेके जा रहा हूँ, ये बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाएगा 7 नंबर। तो आप ध्यान से, अगर मैं एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड दैट वुड बी 7 अपॉन 2 ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल्स टू 15/2। और ये सीधी सीधी आपकी इक्वेशन 1 बन गई। कंप्लीटिंग स्क्वायर के सारे स्टेप्स को यहाँ पर वेरीफाई करते हुए पहुँच गया डायरेक्टली। ठीक है जी, अब देखिए, अब हमने कहा था कि एक्स का कोएफिशिएंट लें, अच्छा जी, इसे डिवाइडेड बाय 2 करें, अच्छा जी, फिर इसका स्क्वायर मालूम करें। ठीक है जी, देखिए 7 डिवाइडेड बाय 2 मायनिंग के 7/4 और इसका होल स्क्वायर तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 49 एंड बाय 16। जो भी रिजल्ट आया वो इक्वेशन 1 में ऐड करें। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 ऑफ एक्स एंड प्लस 49/16 एंड दैट इज इक्वल्स टू 15 और बाय 2 है और फिर प्लस के 16 49/2 हमें ऐड करें। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा एक फार्मूला लगता है इस कंडीशन पर, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस के 2 ऑफ ए बी एंड प्लस के बी स्क्वायर दैट इज़ व्हाट, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे लगाएंगे
तो ये हमारे पास यहाँ पे एक एक जगह एक्स आ जाएगा, एक जगह एक्स, और बी की जगह आप इसका स्क्वायर रूट मालूम करें। अगर आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4 और उसका होल स्क्वायर। इसे अगर आप ओपन करना चाहें तो कर लें, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं इस पे, इसके ऊपर। ये देखें 16 था यहाँ पर, ये हमने ऐड किया तो 16 इसकी एलसीएम निकली। 2 का टेबल 8 टाइम, और 8 को हम मल्टीप्लाई करके 15 के साथ, और 15 को किसके साथ, 8 के साथ, 5 8 40 और 8 120 हो जाएंगे। ठीक है जी, ये क्या हो जाएंगे 120 मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे तो। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 120 एलसीएम करने के बाद, और 16 तो 16 पे वन टाइम, एंड दैट वुड बी 49। अब देखें x प्लस 2 7/4, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, दैट वुड बी 169/16। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं ऑन बोथ साइड। सो x प्लस 7/4 और इसका होल स्क्वायर रेडी कर लिया आपने, फिर इज इक्वल्स टू यहाँ पर 169 का लेंगे तो 169 अपनी जगह, डिवाइड मी 16 और इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट वुड बी 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 69 का 13 और इसका आपका 4 आ जाएगा। इसके दो आंसर्स हुए, एक 7/4 विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव दैट 13/4। अच्छा जी, एक प्लस 7/4 और दूसरा इसका नेगेटिव वाला, दैट इज 13/4। आप 7/4 को उस तरफ ले जाएं, दैट इज़ व्हाट 13/4 माइनस के 7/4 ले लें इनकी एलसीएम। व्हाट इज़ एलसीएम, एलसीएम इज़ 4। ठीक है जी, तो 13 माइनस के 7, अब 13 में से अगर आप 7 निकालें दैट वुड बी 6/4 और 2 का टेबल 3/2, तो ये आ गया आपका एक रिजल्ट किसका, एक्स का। इसी लिहाज से अगर आप यहाँ पे एक 7/4 को उस तरफ ले जाएं, दैट वुड बी -13/4 एंड -7/4, तो ये देखें दैट वुड बी 4 एज एलसीएम और ऊपर 13 और फिर माइनस के 7। एक्स वुड बी इक्वल्स टू माइनस के 20 डिवाइडेड बाय 4, तो एक्स इज इक्वल्स टू -5। सो एक्स -5 आ गया, 1 3/4। इट्स अ सॉल्यूशन सेट, आप लिख सकते हैं एज दैट इज अ 3/2 कामा माइनस के 5, इसका रिजल्ट आ गया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में इसका एक्स का कोएफिशिएंट बड़े सीधे से इसने दिया हुआ है, तो आप इसके साथ कुछ ना करें, आप ऐसा करें 17 ऑफ एक्स लिखें प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। आप इसको उस तरफ ले जाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 ऑफ एक्स इज इक्वल टू -33 और डिवाइडेड बाय 4। सो 33 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सो सिंपली अब आप क्या करें, 17 का किसका बेटा जी, 17 को आप डिवाइड करें, 17 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमने आपको ये बताया हुआ है, और फिर उसी आप उसका स्क्वायर निकालें। यहाँ पर ये 17 है, देखें 17 डिवाइडेड बाय 2 और फिर उसका स्क्वायर, ये हमने निकाला हुआ है। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 289 17 का स्क्वायर, दैट इज 4। जो भी रिजल्ट आए वन ही क्वेश्चन में एड ऑन बोथ साइड का भी, एक्स स्क्वायर प्लस के 17 ऑफ एक्स एंड प्लस के 289/4 इज इक्वल्स टू 289/4 एंड माइनस के 33/4। ठीक है, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपको, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला लगेगा। व्हाट इज फार्मूला, ए स्क्वायर 2 ऑफ ए बी प्लस के बी स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ पर आपके पास एक्स है और बी का इसका स्क्वायर रूट ले लें, दैट इज 17/2 एंड इट्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंगे आप इनकी एलसीएम और एलसीएम क्या हो जाएगी 4।
सो सिंपली 289 माइनस के 33, सिंपलीफाई करें प्लस के 17 बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 33 जब आप इससे निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 6 और 556 और ये आपके पास 256 डिवाइडेड बाय 4, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो 17 बाय 2 होल स्क्वायर, फिर इसका हमने कहा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 256 बाय 4 का आप स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये हो जाएगा 17 बाय 2 स्क्वायर रेडिकल के साथ कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस माइनस, अब इस पे तो ये डायरेक्टली जा भी रहा था, 256 को आप इसे डिवाइड भी कर सकते थे, चले नहीं कर पाए तो यहाँ पे देख दें 16 बाय 2, सो एक्स प्लस 17 बाय 2 दैट इज व्हाट प्लस माइनस 8, ठीक है जी, ये आ गया प्लस माइनस, यानी कि इसके दो आंसर आए, एक प्लस के 17 बाय 2 इज इक्वल्स टू सिंपल पॉजिटिव आंसर, दूसरा एक्स प्लस के 17 बाय 2 नेगेटिव 8, चलें पॉजिटिव की तरफ हम 8 से माइनस 17 बाय 2 माइनस कर लेते हैं, 2 आप एलसीएम लेंगे सो दैट वुड बी 16 माइनस 17, सो यहाँ पर आप एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज माइनस 1 अपॉन 2, एक एक्स का वैल्यू आपके पास आ गया। दूसरे के लिए यानी कि इस हिस्से के लिए मैं क्या करूँगा, फिर वहाँ पे लेके जाऊँगा तो माइनस के 8 माइनस के 17 बाय 2, तो फिर अगेन 2 एलसीएम निकली तो ये माइनस के 16 माइनस के 17 बाय 2, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 33 बाय 2, तो ये फिर आपके एक्स का दूसरा वैल्यू आ गया। इट मीन्स सॉल्यूशन सेट क्या बने, दैट इज ऑफ माइनस 1 बाय 2 एंड माइनस 33 बाय 2, दैट इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, ये देखें बड़े आसान तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को रखा हुआ है, अगर आप समझ पाएं तो ये बड़ा आसानी हो सकता है। 9 देखिए दिया क्या है इसने, 3x स्क्वायर प्लस के 5 बाय 3 ऑफ x प्लस के 1 इज इक्वल टू 4 माइनस के 8 बाय 3 ऑफ x प्लस के 1, यहाँ पे इसकी एलसीएम निकल गई, बीच में माइनस है बड़ी हो गई है, सो 3x स्क्वायर प्लस के 5 बाय 3 ऑफ x प्लस के 1 इज इक्वल टू आपकी एलसीएम क्या निकली यहाँ पर 3x प्लस के 1, सो ये आप 4 इंटू 3x प्लस के 1 एंड माइनस के 8 इंटू 1 सिंपली। अब देखिए एक रूल है, जैसे a अपॉन 2 हो और b अपॉन 2 हो तो ये 2 2 से कैंसिल हो सकता है, इसी पॉइंट को आप अपने माइंड में रखते हुए हम कहेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बी सिंपली 3x स्क्वायर प्लस के 5, 4 3s आर 12x प्लस के 4 एंड माइनस के 8, सो आप इस तरफ ले आए इन सारों को, माइनस के 12x प्लस के 5 हैं, 12 हम इस तरफ ले आए और फिर माइनस के 4 और प्लस के 8 इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें ये माइनस के 12x और आप अगर इन्हें सिंपलीफाई करेंगे तो 4 जब 5 से 1 जाएगा और प्लस के 9 रह जाएंगे एंड इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला रूल कि यहाँ पर 1 होना लाजम है, नहीं है तो आप उसे कामन ले लें, एक्स स्क्वायर 12 को 4 टाइम डिवाइड करेगा और 9 को 3 टाइम 3 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 जीरो डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई है उस तरफ जाके डिवाइड करेगा तो जीरो हो जाएगा दैट विल बिकम, ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ यू हो जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का दूसरी पॉइंट क्या थी कि आपको कांस्टेंट उस तरफ लेके जाना है, तो कांस्टेंट मेरे पास क्या है, कांस्टेंट इज 3, सो मैं जब कांस्टेंट को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पढ़ा था कि आप क्या करें, आप सिंपल से बड़े सादगी से ये उठाएं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उठाएं,
उसे डिवाइडेड बाय 2 करें और जो रिजल्ट आए उसको आप स्क्वायर करें। सो माइनस के 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस का 4। अब वो इक्वेशन 1 में आ जाए, डाउन बोथ साइड करें। सो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 इज इक्वल्स टू माइनस के 3 एंड प्लस के 4। सो यहाँ पे अगर फार्मूला के लिहाज से जाएंगे तो ये x माइनस वन ने x माइनस के 2 होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसका a का वैल्यू और ये b का वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 आ गया और यहाँ पे 1। सो अगेन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है। x माइनस 2 का स्क्वायर और इसका आपने स्क्वायर रूट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। सो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, x माइनस 2 दैट इज अ प्लस माइनस 1। दो वैल्यूज, एक x माइनस 2 प्लस का 1 एंड दूसरा क्या वैल्यू है, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 2 को आप उस तरफ ले जाएं तो ये प्लस 2, सो x इज इक्वल टू 3, ये आएगा आपके पास रिजल्ट। माइनस 2 को आप उस तरफ ले जाएं तो ये प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू 1, ये आ गया आपका x का। सो इट मीन्स आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या हुए, एक हुआ 1 एंड 1 और दूसरा कौन सा हुआ, 1 एंड 3। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स, सॉरी 9 के आंसर्स हुए, मैं 8 भी कर लिया 9 भी कर लिया। राइट नाउ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, देख लें लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कहता क्या है, कहता है कि ये सिंपलीफाई करें, अरे ये तो बड़ा आसान है, देख लें 7। अब ऐसा करते हैं, मैं कर सकता आपके लिए लेकिन नहीं कर पा रहा, चलें फिर हम इसे सिंपलीफाई। तो x प्लस के 2 ऑफ a होल स्क्वायर प्लस के 3 ऑफ a स्क्वायर एंड 5 ऑफ a एंड 7 ऑफ x प्लस के 23 ऑफ a। यहाँ पे याद रखिए ये a इज नॉट इक्वल्स टू 0 कर दें, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं, ये बुक वाला कह सकता है ए बिलोंग करे रियल नंबर को, ये ए रियल नंबर का किरदार अदा करता है। चलो पहली पॉइंट, यहाँ पे आपका एक फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का, मैं लिखवा दूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का लगाएंगे, ये ए स्क्वायर टू ऑफ ए बी एंड प्लस का बी स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसे आप सिंप्लीफाई करना, आपने मैथ 9th क्लास में करके आए होंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 ऑफ एक्स प्लस का क्या 4 ऑफ ए स्क्वायर एंड प्लस के 3 ऑफ ए स्क्वायर। 5a के साथ इसे आप मल्टीप्लाई करें, सो 5 7 जा 35 एंड एक्स 5 23 जा 5 3 जा 15 5 2 जा 10 एंड 1 115 और a को a के साथ a स्क्वायर। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई करें, 7x स्क्वायर 4 ऑफ a x के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएंगे, दैट वुड बी 28ax। सो 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर दैट इज व्हाट 35ax एंड प्लस 115 ऑफ ए स्क्वायर दैट इज व्हाट ए स्क्वायर। सो सिंपली आप देखें 7x स्क्वायर अपनी जगह, अब इन दोनों को ये तो किसी से एडवेड नहीं हो रहा तो 28ax रखते हैं। अब 23 दैट वुड बी 31a स्क्वायर, चलिए 35 ऑफ ax 115 ऑफ ए स्क्वायर, ये सारे उस तरफ ले जाएं। 7x स्क्वायर माइनस प्लस 28ax 31a स्क्वायर 31a स्क्वायर। अब देखें जब हम इस तरफ ले आए नहीं तो ये माइनस के 35ax होंगे, माइनस के 115a स्क्वायर होंगे। अब देखें 7x स्क्वायर जैसा कोई भी नहीं, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है जी।
35 से जब 28 जाएंगे तो माइनस के सी वन ए एक्स रह जाएंगे, सी वन के ए एक्स रह जाएंगे। अब 115 से आप 31 को माइनस करें तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 4, 11 से जब 3 जाएंगे तो 84, यानी कि माइनस के 84 रह जाएंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इनमें से 7 काम निकल रहा है, 84 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से 7 कामन निकल रहा है, 7 को आप कामन निकालें अकॉर्डिंग टू द मेथड्स, सो 7 आपका कामन निकल गया तो ये रह जाएंगे माइनस के ए एक्स और 84 पे वन टू टाइम ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0, चला गया उस तरफ, डिवाइड करेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स माइनस के 12 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब इसे आप 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा। हमें कहा गया था कि कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कांस्टेंट को उस तरफ शिफ्ट करें तो ये 12 ए स्क्वायर उस तरफ चला गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, हाँ जी, थोड़े से हैं लंबे चौड़े। यहाँ पर हमने आपको समझाया था कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है और फिर इसका स्क्वायर मालूम करना है, सो अकॉर्डिंग टू दिस वन दैट वुड बिकम ए स्क्वायर बाय 4। अब ये आप इक्वेशन वन में ऐड ऑन बोथ साइड करें, सो एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 12 ए स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 4। तो इसे आप बना सकते हैं ए का वैल्यू एक्स माइनस बीच वाली, इसका स्क्वायर रूट लें क्या हो जाएगा ए अपॉन 2 रखें और उसको होल स्क्वायर कर दें इज इक्वल्स टू, इसके एलसीएम लें 4 इज एलसीएम 28 हो जाएंगे ए स्क्वायर और प्लस के फिर एक ए स्क्वायर ये वाले। ठीक है 48 मेरी थोड़ी गलती हो गई, चलें एक्स माइनस के ए बाय 2 के होल स्क्वायर दैट इज व्हाट 49 ऑफ ए स्क्वायर बाय 4। अब आपने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना तो आप ले लें स्क्वायर रूट, आपने ले लिया स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए अपॉन 2 होल स्क्वायर रूट ले लिया एंड दैट इज व्हाट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 ए स्क्वायर बाय 4, तो ले लें एक्स माइनस के ए बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस 7 ए बाय 2। तो दो रिजल्ट आए, एक प्लस का एक माइनस का। सबसे पहले हम प्लस वाले को यहीं सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, देखें एक्स माइनस के ए अपॉन 2 प्लस वाला हम लिख लेते हैं ए अपॉन 2। अब ए अपॉन 2 उस तरफ जाएगा तो ए अपॉन 7 बाय ए अपॉन 2 प्लस की ए अपॉन 2 एलसीएम लेंगे ये हो जाएंगे 8 ए अपॉन 2 और ये आपके पास ए का रिजल्ट आएगा 4 ए, सॉरी ये एक्स है, दैट इज एक्स, सॉरी दैट इज एक्स, मैं जल्दबाजी कर गया तो एक्स का रिजल्ट आ गया 4 ए। ठीक है जी, फिर इसका माइनस वाला ले लिया, व्हाट इज माइनस वाला दैट इज एक्स माइनस का ए अपॉन 2 इज इक्वल माइनस 7 ए अपॉन 2, तो उस तरफ ले जाएं फिर दोबारा से प्लस हो जाएंगे माइनस के 7 ए अपॉन 2 प्लस के ए अपॉन 2 एल सेम होगी तो ए वुड बी इक्वल्स टू, सॉरी एक्स वुड बी इक्वल्स टू, माय मिस्टेक हाँ जी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स वुड बी इक्वल्स टू क्या माइनस के 6 ए अपॉन 2, 2 का टेबल इस पे जाएगा 3 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू इसके 3 है। तो एक्स के दो सॉल्यूशंस हुए इस क्वेश्चन में, कौन कौन से सॉल्यूशन, पहला माइनस 3a दूसरा 2 4, तो ये आपके रिजल्ट, तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 पंजाब के टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक कंप्लीट हुए। सो अब मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए याद दीजिए।